क्या आपको पता है कि एरोप्लेन्स में थर्मामीटर अलाउड नहीं होते हैं? ऐसा क्यों? इसका क्या रीज़न है? थर्मामीटर कभी कभी इमरजेंसी में काम आता है, जैसे बुखार में काम आता है, फर्स्ट एड किट का एक पार्ट है, फिर उसको अलाउ क्यों नहीं किया जाता प्लेन में? तो ऐसा कुछ नहीं होता। अभी के टाइम पे जो डिजिटल थर्मोमीटर्स होते हैं, जो डिजिटली काम करते हैं, आपको पता होगा पहले ज़माने में पारा यानी मरकरी थर्मोमीटर्स में होता था, ये पहले की बात है। और अभी की बात ये है कि डिजिटल थर्मोमीटर यूज़ होता है, मरकरी वाला चला गया। तो प्लेन में जो रिस्ट्रिक्शन वाली बात है वो सिर्फ और सिर्फ पुराने ज़माने की थर्मोमीटर में थी, अभी के थर्मोमीटर में ऐसा कुछ नहीं है। और उसमें रेस्ट्रिक्शन इसीलिए था क्योंकि जो पहले वाले थर्मोमीटर्स होते थे उसमें जो मरकरी होता था वो अगर एक बूंद भी गिर गया प्लेन में तो वो इतनी ऊपर इतनी हॉट टेम्परेचर में अगर प्लेन का बॉडी जो कि एल्यूमिनियम से बना होता है, प्लेन के बॉडी के कोई भी पार्ट यानी कोई अंदर बैठा है और थर्मोमीटर तोड़ दिया और मरकरी निकल गया, तो उतनी ऊपर हाई टेम्परेचर में इंस्टेंट रिएक्शन होगा और सिर्फ 10-15 मिनट में पूरा वो एल्युमिनियम खोखला बन जाएगा और डैमेज हो जाएगा। मरकरी और एल्युमिनियम दोनों रिएक्ट करते हैं, तो यही रीज़न है कि पुराने वाले मरकरी थर्मोमीटर्स अलाउड नहीं है प्लेन में।